एज ए सीरीज एड के वेब डेवलपमेंट जो है आगे क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट्स बनाते कहते हैं बिजनेस वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा इंशाल्लाह। एंड द थिंग इज डैट के मैं आपको दिखाता हूँ स्कोप क्या है। ओके सो जैसा से फ्लिपा फ्लिपा बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे वेबसाइट्स जो है ना लोग सेल करते हैं और परचेज भी करते हैं। जैसा से मैंने आपको वीडियो में भी बताया था जो मैं दिखा रहा था वेबसाइट फ्लिपा के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि किसी ने मेरी वीडियो देखी है शॉर्ट वीडियो तो उसके अंदर मैंने दिखाया था कि जो है ना वेबसाइट फ्लिपा पे किस तरह से जो है ना बनाई। मैंने अलहमदिल्ला खुद भी बहुत सी वेबसाइट्स जो है ना वो बना बना के सेल्स भी की हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड किए हैं क्लाइंट्स को। सो ब्लॉग वेबसाइट्स की तरफ आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लॉग वेबसाइट जो है ना वो कितने कितने की बना के लोग सेल करते हैं। अब ये जैसा से एक ये वेबसाइट है जब तक मैं लॉग इन नहीं करूँगा जब तक। अब ये वेबसाइट को 8 साल हो गए हैं ये जो 8 साल है $30,000 पर मंथ वेबसाइट कमा रही है और वो बंदा जिसकी वेबसाइट है वो कह रहा है कि मैं इसको $8 लाख में सेल करूँ। पहले वो $22 लाख में कर रहा था लेकिन अब उसने डिस्काउंट ऑफर कर दी $8 लाख में सेल करूँ। एजुकेशनल कॉन्टेंट है। ओके मैं वो वेबसाइट ओपन करता हूँ जो बेसिकली जो है ना वो जो मुझे नज़र आ रही है। अब जैसा से ये है ऑजन एंड कंप्यूटिंग 3 साल हुए हैं इसके वेबसाइट को। मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट कौन सी है। ये लास्ट मैंने कैंडिडेट्स को दिखाई भी थी ऑजन एंड कंप्यूटिंग। ये बेसिकली एक एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है और साथ ही साथ जो है ना वो गूगल एडसन से भी अप्रूव्ड है तो वहाँ से बेसिकली इसका मेन रेवेन्यू आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एंड मैं दिखाता हूँ ये वेबसाइट। ये वेबसाइट ब्लॉग वेबसाइट्स है और ज़्यादातर जो है ना ये लैपटॉप्स के ऊपर जो है ना वो ब्लॉग्स क्रिएट कर रहा है। मैं खुद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ लास्ट 3 ईयर से 2 ईयर से सॉरी और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना लास्ट 4 ईयर से कर रहा हूँ। अब जैसा से ये वेबसाइट है इसने यहाँ पे बेसिकली जो है ना एफिलिएटिंग लगाए हुए और ये देखो ना एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो एड शो हो रही है इसकी ये एडवर्टाइजमेंट। तो ये बेसिकली एड रेवेन्यू से भी पैसे कमा रही है और साथ ही साथ जो है ना वो एफिलिएट सेल्स के ऊपर भी ये पैसे कमा रही है। जिस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ गेमिंग लैपटॉप में इसने कुछ ब्लॉग्स लिखे हुए 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स 2024 ये इसने ब्लॉग लिखा हुआ है। इसके ऊपर ये देखो ना कोई बंदा लेट्स पर गूगल पर टाइप करता है 10 गेमिंग लैपटॉप्स इन 2024 कंट्रोल शिफ्ट एन करके अगर मैं गूगल पर टाइप करता हूँ तो हार्डली इसकी अगर वेबसाइट आ जाती है ठीक है तो सर्च रिजल्ट्स में इसकी वेबसाइट अगर आ गई तो हम वहाँ पे ओपन कर लेंगे। या तो इसने अभी तक अपनी स्ट्रॉन्ग SEO नहीं की लेकिन विदाउट स्ट्रॉन्ग SEO एक अच्छी जो है वो वेबसाइट चला रहा है और रेवेन्यू बचा। यहाँ पे इसकी वेबसाइट आ जाती है तो गूगल पे कोई बंदा टाइप करता है 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2024 जिसकी वेबसाइट आई तो वहाँ पर जाके कोई बंदा यहाँ पर रिव्यू देख लेता है। जिस तरह से वही बंदा लिखेगा गूगल पे 10 बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग इन 2024 जो बेसिकली लैपटॉप परचेज करना चाह रहा है गेमिंग के लिए एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब लेट्स फॉर इस वेबसाइट पे पहुँच गया और यहाँ पे उसको कंपैरिजन पता लग जाएगा। एग्जांपल के तौर पे इसको ये AC प्रीडेटर इसको पसंद आ जाता है और चेक प्राइस करने के बाद वो अमेजोन पे चले जाता है। अब जब अमेजोन से जा रहा है ना तो वो इस वेबसाइट के लिंक के थ्रू जा रहा है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो टैग में इस वेबसाइट का रेफरल लिंक है और जब वो इसके रेफरल लिंक से परचेज करेगा 1600 का जो है ना ये बेसिकली लैपटॉप है $1600 का। जब वो इसके रेफरल लिंक से परचेज करेगा तो 10-20% 10-15% इसको एक अच्छा कमीशन मिलेगा अमेजोन की तरफ से क्योंकि इसके रेफरेंस के थ्रू कोई कस्टमर ने परचेज किया। इन दैट केस 10 कस्टमर भी एक दिन में आ रहे एक दो तकरीबन 100 यूज़र्स आ रहा है इसकी वेबसाइट पे एक दिन में और 100 यूज़र में से अगर बिलफर्ज 2 यूज़र भी परचेज़ कर लें तो उसको अच्छा खासा $50 से $100 का प्रॉफिट हो जाता है। अभी सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग बता रहा हूँ और दूसरी तरफ ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट मतलब एड्स नेटवर्क के थ्रू भी पैसे कमा रहे हैं। अभी एडवर्टाइजमेंट से लोड नहीं हो रही माइट बी शायद USA का जो है ना इसने एड नेटवर्क ऑन किया हुआ इस वजह से मुझे एडवर्टाइजमेंट शो नहीं हो रही। एंड दो सेकेंड थिंग ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी पैसे कमा रहा है दैट्स द रीज़न कि ये वेबसाइट जो है ना मंथली $4,800 कमा रही है $4,800 सिर्फ 3 साल हुए हैं वेबसाइट के ऊपर और 100 ये जो है ना 22 एक हाँ $1,22,000 की इसने सेलिंग के लिए लगाई है। तो इन दैट केस ये चेक कर सकते हैं आपको पता लग जाएगा कि वेबसाइट्स की वर्थ कितनी है। छोटा सा स्किल है जो अगर आप इसको ग्रिप कर लेते हैं तो एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये तो हो गया वेबसाइट बना बना के उसके ऊपर मेहनत करके वो वेबसाइट इनकम में आ गई फिर बाद में उसको सेल कर देना दैट्स द फर्स्ट स्किल। सेकेंड स्किल आप फाइवर एक्सप्लोर कर सकते हो। फाइवर पे जाओ और यहाँ पे जाके लिखो वर्डप्रेस वेबसाइट तो आपको पता लग जाएगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट में ऑर्डर्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे ठीक है। जिस तरह से मैं रैंडमली कुछ पाकिस्तानी लोगों की प्रोफाइल्स ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें कि सर आपने तो गोरे लोगों की प्रोफाइल ओपन करी और इन्हीं ऑर्डर आ रहे हैं। जिस तरह से ये अजीम है इसको ओपन कर लेता हूँ
नासिर है, सोहान है, इसके अलावा यहाँ पे बिलाल है, इसकी जो है ना मैंने गिग ओपन कर ली, सगीर है एंड रामेज है। तो ये तीन चार प्रोफाइल्स मैंने ओपन कर ली हैं, आप या फिर चेक कर सकते हैं। इट्स एन प्रो सेलर, ठीक है, 86,000 की जो है ना एक वेबसाइट बना के दे रहा है 4 दिन के अंदर, वन पेज वेबसाइट, ठीक है, एलिमेंटर के ऊपर स्टैंडर्ड वेबसाइट, 5 पेजेस वेबसाइट जो है ना ये तकरीबन 2,60,000 की बना के दे रहा। 5 ऑर्डर अभी तक ये अपनी प्रोफाइल पे कंप्लीट कर चुका है, 5 ऑर्डर में से अगर इसने स्टैंडर्ड ऑर्डर भी अच्छे कंप्लीट किए हैं तकरीबन 10 लाख रुपए का ये मार्जिन निकाल गया। अगर उन 5 कस्टमर्स में से 4 लाख वाले कस्टमर तो ज़्यादा बताए। दूसरी तरफ अगर हम ये प्रोफाइल देख लें, नासिर अहमद, 2,300 2,300 की एक वेबसाइट बना के दे रहा, वन पेज वेबसाइट। और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको 5 पेज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा, और स्टैंडर्ड वेबसाइट 81,000 की और प्रीमियम 1,40,000 की। स्टैंडर्ड वेबसाइट भी अगर लगाया जाए 17 ऑर्डर इन क्यू में है। अब ये 17 ऑर्डर में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 81,000 का ऑर्डर किया होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1,40,000 का। एवरेज रेशियो निकालनी है, 80,000 को मल्टीप्लाई कर दो आप 17 से तो आपको एवरेज रेशियो पता मतलब लग जाएगी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली लगा लो 15, हाँ 12-13 लाख रुपए का इसने जो है ना वो ऑर्डर ले लिया हुआ है, ठीक है, विद इन अ मंथ। उसके अलावा उस 17 वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, 5 दिन डिलीवरी दे रहा है एक वेबसाइट की, और आज ही आपके विद इन अ 15 अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छी ग्रिप हो जाए तो 1 दिन बहुत इनफ है एक वेबसाइट के लिए। दूसरी तरफ 14 ऑर्डर इसको आया हुआ, स्टैंडर्ड पैकेज 80,000 से स्टार्ट हो रहा है, और जो बेसिक पैकेज स्टैंडर्ड 2 लाख से स्टार्ट हो रहा है, और 14 ऑर्डर क्यू में है। दूसरी तरफ 47 ऑर्डर क्यू में है, 29 ऑर्डर क्यू में है, 49 ऑर्डर इसके भी क्यू में है। तो इट्स एन हाईली इंगेजिंग स्किल अगर आप इसके ऊपर ग्रिप कर लो। ये तो पता लग गया, फर्स्ट थिंग इज डैट इस स्किल के थ्रू आप जो है सर्विसेज के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, फाइवर पे जाके यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर लेट्स सपोज आपकी कम्युनिकेशन वीक है, क्लाइंट नहीं मिलता, स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, वेबसाइट बना बना के सेल कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह से मैं बेसिकली वेबसाइट्स बना के सेल भी करता हूँ, और कुछ क्लाइंट्स आप मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनको भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मतलब मैं सर्विस में भी काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं जो है वो वेबसाइट बना बना के सेल कर रहा हूँ। ओके, यहाँ तक समझ आया कि स्कोप क्या है, मुझे हाँ ना में जवाब लाजमी दिया करें ताकि मुझे पता लगे कि मैं बेसिकली खुद से बातें नहीं कर रहा। यस सर, समझ आ रही है, आ रही है ना? सो इट्स एन हाईली डिमांडिंग स्किल वेब समझ आ रही है, डेवलपमेंट। समझ आ रही है सर, सो अब समझ आ रही स्टार्ट है। करते ठीक है, हैं। लव यू ओके, कोई मसला नहीं। ओके, सो बेसिकली सर। स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट की तरफ। कुछ बेसिक ये स्किल्स हैं, वेबसाइट अपने बना सकते हैं, वेबसाइट अपनी बना सकते हैं, इसी वजह से मैं सिखा रहा हूँ कि आपको किस तरह से वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। ओके, और ये फाइवर पे बनानी होगी। फाइवर पे आप सर्विसेज दे सकते हो, और अगर खुद की वेबसाइट बना के सेल करनी हो तो वो फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हो, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं, बाकी सारे माइक ऑफ कर लें, मैं बेसिकली जो है ना आपको स्टार्ट करवाने लगा हूँ वेबसाइट के लिए। अब जिन लोगों को वेबसाइट्स का पता है ऑलरेडी कि वेबसाइट्स होती क्या हैं, उन लोगों को तो ये चीज़ समझ आती है, लेकिन जिनको नहीं पता उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। द फर्स्ट एंड वन इज़ डैट डोमेन, ये आपने याद रखनी है, अगर इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है होस्टिंग, डोमेन बेसिकली कहते हैं नेम ऑफ वेबसाइट, ठीक है, जिसके अंदर आगे आपको एक्सटेंशंस मिल जाती हैं, आप डॉट कॉम में ले सकते हो, डॉट नेट में ले सकते हो, और डॉट ऑनलाइन है, डॉट टेक है, डॉट ईडीयू है, बहुत सी डोमेन्स होती हैं। सबसे पहले आपने नेम परचेज करना होता है वेबसाइट का नाम। माइक्स ऑफ कर लें जब तक मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लो, जब मैं कहूँगा तभी आपने माइक ऑन कर लिया। दूसरी चीज़ है होस्टिंग, होस्टिंग बेसिकली कहते हैं ऑनलाइन स्टोरेज। ऑनलाइन स्टोरेज से मुराद ये कि जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को स्टोर करवाना है,
ये दो चीजों की आपको जरूरत होती है एक वेबसाइट बनाने के लिए। अल्टीमेटली ये जो चीजें हैं दो, ये बेसिकली फ्री में नहीं होती। इसके लिए बेसिकली बहुत सी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं पेड के ऊपर, कि पेड बेसिकली वो देती हैं। ये दो चीजें जो होती हैं ना, पेड हैं। बहुत सी कंपनीज हैं जिनसे आप ले सकते हो, होस्टिंगर हो गया, होस्टगेटर हो गया, गोडैडी हो गया, इनके अक्सर आपने नाम देखे होंगे एड्स के अंदर। अगर आपको एड्स देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो बहुत से लोग इनके ऊपर जो है ना एडवर्टाइजमेंट्स रन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पेड होती है, बट वेबसाइट डेवलपमेंट तो सीखना है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसके लिए मैं क्या बताता हूँ, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप ऑफलाइन वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री में करनी है तो आप जो है ना वो ऑफलाइन ऑफलाइन वेबसाइट डेवलपमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, वो किस तरह से करनी है, ऑफलाइन प्रैक्टिस तो करनी है ना वेबसाइट बनाने की। उसके लिए सबसे पहले मैं पिछली क्लासेस में सिखाता रहूँ कि आप इन्फिनिटी फ्री से जो है ना वेब होस्टिंग ले सकते हो, लेकिन आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है अपने लैपटॉप में, जैम। गूगल पे लिखना है जैम, और पहला लिंक आएगा उस पर डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, और ये जो यहाँ पे आ रहा होगा इस पर डाउनलोड पे क्लिक करके सो मैं बता रहा था, अनपिन हो गया था बेसिकली। जैम गूगल पे लिखना है आपने जैम, ठीक है, जैम फॉर विंडोज। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके लैपटॉप के अंदर एक छोटा सा मिनी सर्वर क्रिएट कर देगा, जिसके थ्रू आप अपनी ऑफलाइन वर्ड वेबसाइट्स बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो सिंपल इज डैट, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। यू विल गो फॉर दिस वेबसाइट, एंड यहाँ से सिंपली यहाँ पे लिखा हो रहा होगा ना क्लिक हेयर, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन, तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, तो ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ये इस तरह से डाउनलोड लिंक आएगा, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपने जो है ना वो इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। जब आप डाउनलोड करोगे जैम को, सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, योर स्क्रीन इज नॉट क्लियर। स्क्रीन क्लियर नहीं है, कैन यू डू इट जूम सर? जूम आप कर सकते हो। आप मोबाइल से ले रहे हो क्लासेस, नो सर, लैपटॉप से? यस। यहाँ भी आपके पास ऑप्शन आ रही होती है जूम की, ठीक है, वो आप जूम कर सकते हो इस तरह, ओके ठीक है। ओके क्लियर, ठीक है। सो मैंने जैसा से बताया कि आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है जैम, ठीक है। जैम आपने इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है जैम का। इनशाला आज की क्लास के अंदर मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। ये जैम आ रहा होगा, जैम फॉर विंडोज, इसको डबल टैप करके आपने इसको जो है ना वो इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, डबल टैप करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस तरह से आ जाएगा, इट्स टेक अबाउट लिटिल बिट टाइम टू इंस्टॉल, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इंस्टॉल कर लेना है। अभी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो इस वजह से मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपने सर्च करना है अपने सिस्टम के अंदर, जो लोग कंप्यूटर विंडोज 7 या विंडोज 10 कोई भी यूज़ कर रहे हैं, सर्च करना है आपने जैम। तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा जैम कंट्रोल पैनल, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद पहले दो चीज़ें आपने यहाँ पे स्टार्ट कर लेनी है। सबसे पहले है अपाची और दूसरा है माई सीक्वल, ठीक है, या माई एसक्वल भी कह सकते हैं। स्टार्ट कर देना। अब क्या होगा कि आपके सिस्टम के अंदर एक छोटा सा ऑफलाइन सर्वर बन जाएगा, और वो जो है ना बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा स्टार्ट हो गया है। कैसे चेक करना है स्टार्ट हो गया, गूगल पे जाना है और यहाँ पे क्रोम पे जाना, सॉरी गूगल क्रोम, गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। तो यहाँ से आपके पास जैम्प आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? फर्स्ट थिंग इज डैट यू हैव टू इंस्टॉल जैम्प सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्लियर? ओके, सेकंड स्टेप। सर हाँ जी सर, आपकी वीडियो शो नहीं हो रही। वीडियो नहीं शो हो रही, बाकी सबको शो हो रही है वीडियो आपकी मेरी? वीडियो शो नहीं हो रही जी। बाकी सब कैंडिडेट्स को मेरी स्क्रीन क्लियर है? जी क्लियर है, क्लियर फिजान आपके है, पास क्लियर है। हाँ सर, आवाज हमारे पास क्लियर है।
पिन कर लो स्क्रीन को। वैसे भी इसकी मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है? पिन कर लो, आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा पिन का आइकन, इस तरह से पिन कर लो मेरी स्क्रीन को। रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी? रिकॉर्डिंग हो रही है जी, सेंड कर दे। ओके, सो इसके बाद आपने क्या करना है, माइक ऑफ कर लें सब। इसके बाद आपने दूसरा स्टेप इज दैट गूगल पे लिखना है वर्डप्रेस डाउनलोड। वर्डप्रेस बेसिकली एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है जो आपको वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है विदाउट कोडिंग, ठीक है? वर्डप्रेस डाउनलोड लिखना है, डाउनलोड कर लेना है इसको। फर्स्ट टैब आएगा, इस पर क्लिक करके हमने इसको डाउनलोड कर लेना, और आपके पास इस तरह से एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से डाउनलोड वर्डप्रेस, इस पर क्लिक कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से फाइल आ जाएगी वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस, ओके, सो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया। वर्डप्रेस की फाइल आ जाएगी, मैं दिखा देता हूँ आपके पास ना किस तरह से फाइल आएगी। ओके, मैं दूसरे ग्रुप में लिंक भी शेयर कर देता हूँ, मैंने उधर किया नहीं है। दो मिनट दें, मैं लिंक भी शेयर कर दूँ दूसरे ग्रुप में, उनके भी कैंडिडेट्स आ जाएंगे इस क्लास के अंदर। ओके, सो ठीक है। सो आपने क्या कर लेना है, वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेना है। वर्डप्रेस डाउनलोड करोगे ना तो आपके पास इस तरह से फाइल डाउनलोड होगी, ये आपके डाउनलोड फोल्डर्स में होगी इस तरह से, ये वाली फाइल इस तरह से ना आपके पास ये वाली फाइल डाउनलोड होगी वर्डप्रेस की। आपने क्या करना है, इस फाइल को उठा कर, अब मैं बताता हूँ ये किस तरह से, ये ना आपके पास इस तरह से ना डाउनलोड फोल्डर में होगी, मैंने बेसिकली ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर रखी थी। जब आप वर्डप्रेस डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपके पास फाइल आएगी वर्डप्रेस की। डेट मॉडिफाइड कर देते हैं, ये वर्डप्रेस की फाइल आपके पास यहाँ पे डाउनलोड्स में आएगी। आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स कर लेना है, कट कर लेना है। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट करना है, या राइट क्लिक करके यहाँ से इसको कट कर लेना है या कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सी ड्राइव में आना है जहाँ पे आपका ज़ैम्प इंस्टॉल है। ज़ैम्प में जाना है, ज़ैम्प में जाने के बाद एच टी डॉक्स आएगा, यहाँ पे एक फोल्डर बना होगा एच टी डॉक्स, ये वाला, ये वाला फोल्डर होगा, ठीक है? एच टी डॉक्स में जाने के बाद आपने इधर जो है वो यहाँ पे जाके पेस्ट कर देनी है वर्डप्रेस की फाइल। वर्डप्रेस की फाइल पेस्ट हो जाएगी, राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे लिखा होगा एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस 6.43, यहाँ सिंपली एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना, ठीक है? यहाँ तो सिंपली आप इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर, तो ये आपके पास आ जाएगा वर्डप्रेस की फाइल। इसको आपने नेम दे देना है, जो भी आपने वेबसाइट का नेम देना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ डेमो। मैं अभी फिलहाल डेमो जो है ना वो क्लास करवा रहा हूँ, इस वजह से इसके अंदर सारी फाइल्स पड़ी हुई है वर्डप्रेस की। यहाँ से इसको जो है ना वो कट करना है डेमो को, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना जहाँ पे आपकी सारी फाइल्स हैं एच टी डॉक्स फोल्डर में, ठीक है? ये डेमो की फाइल बन गई। इसके बाद आपने क्या कर लेना है, आपने जाना है गूगल क्रोम में और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अभी हमारे पास वर्डप्रेस का इंस्टॉलर आया, अभी हमने इसको इंस्टॉल करना है। दो काम किए हैं, ज़ैम्प इंस्टॉल किया और वर्डप्रेस का इंस्टॉल किया। एज इट इज़ जो स्टेप्स मैं दे रहा हूँ इसी तरह से आपने रिकॉर्डिंग देख के भी आपने अप्लाई करोगे तो इंशाल्लाह यू विल गॉट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। लोकल हाउस में जाना है, लोकल हाउस में जाने के बाद आपने यहाँ पे जो मैंने अभी वर्ड प्रेस का नहीं आवाज नहीं ठीक आ रही, ठीक है? रिकॉर्डिंग में देख लेना आप, ठीक है? ओके, लोकल होस्ट स्लैश डेमो, अभी मैंने वर्ड पे फोल्डर का नाम रखा है डेमो, तो एंटर कर देना। तो मेरे पास इस तरह से जो है ना वो इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। अभी तक यहाँ तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते वक्त। एनी क्वेश्चंस डू यू हैव? नो। ओके, सो इट्स टेक अ लिटिल बिट टाइम टू कॉन्फ़िगर द वर्डप्रेस फोल्डर, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा वर्डप्रेस फोल्डर में कंसीडर करने में। मुझे जरा एक मिनट दो। ओके, सो जब आप वर्डप्रेस फोल्डर लिखोगे यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश डेमो, तो इस तरह से वर्डप्रेस का जो है ना वो इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। ये कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद लेट्स गो। अब जो सबसे पहला काम है वो हमारा डेटाबेस क्रिएट करते हैं। हर वेबसाइट की एक डेटाबेस होती है,
तो डेटाबेस ओपन करने के लिए हमने जहाँ लिखना है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। जिन लोगों ने पहले ज़ैम्प यूज़ किया हुआ उन लोगों को तो खास अच्छी समझ आ रही होगी, लेकिन जो लोग नए हैं जिस तरह से मैं स्टेप फॉलो करूँ आपने उसी तरीके से फॉलो अप करोगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना ये सारे प्रोसेस क्लियर हो जाएंगे। अगर डिटेल में जाओगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसी वजह से मैं कोशिश करूँ शॉर्ट टाइम में ही आपको एक वेबसाइट बनाना सिखा दूँ। डेटाबेस का नाम दे देना, जिस तरह से मैं डेमो दे देता हूँ नाम, क्योंकि मैंने अभी डेमो दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जाना है, यहाँ पे दूसरी टैब है जहाँ पे मैंने वर्डप्रेस का जो है वो सेटअप ऑन किया हुआ है। यहाँ पे जाने के बाद मैं लिखूँगा डेमो, यूज़र नेम में आपने लिखना है रूट, पासवर्ड कोई नहीं देना, सिंपली डेटाबेस देना है डेमो, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड कोई नहीं देना सिंपल। इसके बाद कर देना आपने सबमिट, सबमिट करते बाद आपने कर देना रन इंस्टॉलेशन, तो आपका वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल होने लग जाएगा इस तरह से। साइट टाइटल, साइट टाइटल मतलब कि वेबसाइट का नाम क्या देना है, साइट का नाम जिस तरह से यो मैंने रखा हुआ है, वेब डिस्क्रिप्शन कोई भी आप नाम दे सकते हो, जिस तरह से मैं नाम दे देता हूँ अभी अपनी मर्जी से दे सकते हैं क्लास। हाँ, वेबसाइट का नाम जो आपने देना बोला। इसके बाद यूजर नेम, माइक ऑफ कर लो, वॉइस डबल होती है ठीक है, क्वेश्चन पूछ के आंसर्स मिल के आपने माइक ऑफ कर लेना ताकि आवाज डबलिंग ना हो, डबलिंग होगी तो आपको रिकॉर्डिंग में समझ नहीं आएगी ठीक है। ओके, सो यूज़र नेम, यूज़र नेम में आपने जो है ना वो आपने देना जो आपको याद रहे, जिस तरह से मैं अभी डेमो ही दे देता हूँ, और पासवर्ड में वो भी पासवर्ड देना जो आपको याद रहे, मैं 1 2 3 4 5 कर देता हूँ। कन्फर्म वीक पासवर्ड, ईमेल दे देनी है यहाँ पे अपनी, और यहाँ पे मैंने इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देना है। 5 स्टेप्स में यानी 3 स्टेप्स में वर्डप्रेस कह सकते हैं हम इंस्टॉल हो गया। ज़ैम्प इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, HT डॉक्स में फोल्डर रखना है, डेटाबेस क्रिएट कर देनी है और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देना। 5 स्टेप में वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है ठीक है। लॉगिन कर लेना वर्डप्रेस पे, यहाँ पे मैंने अभी जो यूज़र नेम दिया था डेमो और पासवर्ड जो दिया था मैंने 1 2 3 4 5, इसको मैंने कर देना यहाँ से लॉगिन, तो मेरा यहाँ से वर्डप्रेस इंस्टॉल भी हो गया हुआ है और डैशबोर्ड भी हो गया हुआ है। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ वेबसाइट ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपेरेंस में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद थीम इंस्टॉल कर लेनी है। थीम इंस्टॉल करने के बाद ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर लेना है। अभी मुझे जोन सी वेबसाइट बनानी है मैंने उसकी थीम इंस्टॉल करनी है, जिस तरह से मैं यहाँ पे आपने ना एक थीम होगी ये नीचे 4th नंबर पे आ रही होगी एस्ट्रा, इट्स द मोस्ट पॉपुलर वेब थीम फॉर एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, तो मैं यहाँ से ये वाली थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ। एस्ट्रा बेसिकली एक मल्टीपर्पज़ थीम है जिसके अंदर आप बिजनेस वेबसाइट भी बना सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हो और ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बना सकते हो। इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको एक्टिवेट कर लेना होता है। ओके, उसके बाद आपने क्या कर लेना, आपने प्लग इन एड न्यू पे क्लिक कर लेना है। प्लग इन्स में यहाँ पे नीचे प्लग इन्स आ रहा होगा, प्लग इन पे क्लिक करके एड न्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, ये इंस्टॉल हो गई भी, इसको सिंपल एक्टिवेट कर लेना है। तो ये मेरी थीम एक्टिवेट हो गई भी है। इसके बाद आपने क्या करना है, प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है और यहाँ पे आपने एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है स्टार्टर साइट। स्टार्टर लिखोगे तो आपको यहाँ पे ना स्टार्टर साइट्स का मिल जाएगा, ये इंस्टॉल कर लेना। अब स्टार्टर साइट बेसिकली क्या है, यहाँ पे बेसिकली ये एस्ट्रा का ही एक प्लगइन है जिसके अंदर आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, वेबसाइट रेडी टू मेड वेबसाइट होती हैं, जस्ट 1 क्लिक कर लेना और इंस्टॉल कर लेना तो आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगी। एक्टिवेट कर लेना तो हमारा प्लगइन जो है वो एक्टिवेट होने लग जाएगा। ओके, सो एक ये क्या हो गया, एक बार स्क्रॉल डाउन कर लेना है, ग्लिच आ गया, एक बार हम दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, अपेयरेंस जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने इसको जाना है स्टार्टर टेम्पलेट्स में। ओके, सो बेसिकली वो ग्लिच आ गया था, माइंड भी शायद आपके पास भी इस तरह से ग्लिच आ गया, तो आपने क्या कर लेना, एक बार इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना, बैक जाके आपने इसको रिफ्रेश कर लेना है, क्योंकि ये बेसिकली ऑफलाइन वर्डप्रेस है तो ऑन जो है ना थोड़ी बहुत आपको जो है ना मुश्किल आती है, जो ऑनलाइन वर्डप्रेस होते हैं ना उसमें इश्यूज नहीं आते, जो पेड होस्टिंग के होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, दो तरह से आप वेबसाइट्स बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, एक तो ये जिसके लिए आपके पास डोमेन और होस्टिंग हो वो पेड होती है, उसके ना कोई इश्यूज नहीं आते। ऑफलाइन के अंदर थोड़े बहुत इशू आते होंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते, प्रैक्टिस के लिए ठीक है ये। सो फर्स्ट स्टेप इज़ डैट थीम इंस्टॉल कर लेनी है एस्ट्रा, सेकेंड है
प्लग इन इंस्टॉल करना है कौन सा, स्टार्टर टेम्पलेट्स का। इसके बाद आपने जाना है अपेयरेंस में और स्टार्टर टेम्पलेट्स में। जिसना जिसना से मैं स्टेप फॉलो अप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग वीडियो देखकर, इसी तरह से आपने स्टेप फॉलो अप करोगे तो यू विल अमेज, आप अपने हाथों से एक वेबसाइट बनाना सीख गए होंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे जाना है क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपके पास ये टॉप पे आ रहा होगा ब्लॉग एडिटर, ब्लॉग एडिटर को क्लिक करके आपने कर देना है एलिमेंटोर, एलिमेंटोर पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ढेरों वेबसाइट्स मिल जाएंगी, रेडी टू मेड वेबसाइट है, जस्ट वन क्लिक कर लेना और आपकी वेबसाइट बन जाएगी। ये सारी बनी बनाई वेबसाइट्स हैं, ठीक है। सो जैसा से मैं कोई एक बिज़नेस थीम यूज़ कर लेता हूँ, जैसा से कोई बिज़नेस वेबसाइट बना रहे तो मैं बिज़नेस वेबसाइट पे क्लिक करूँगा, माइट भी मुझे कोई अच्छा थीम मिल जाए जिसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। और ये सारी वेबसाइट कस्टमाइजेबल हैं, पिक्चर्स चेंज कर सकते हो आप उसके, जो है ना इमेजेस चेंज कर सकते हो, हर चीज़ जो है ना वो आप रेडी टू मेड है। जैसा से एक ये थीम है डिजिटल एजेंसी के नाम से, मैं ये बना लेता हूँ, इस पर क्लिक कर लेना है। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से लोगो अपलोड कर लेना है। लोगो अपलोड करने के लिए यहाँ पे लिखा रहा है ना अपलोड फाइल है, इस पर क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट फाइल पे जाना है और यहाँ से मैंने एक लोगो अपलोड कर लेना है। जिस तरह से मैंने क्लास में स्टूडेंट की लास्ट जो क्लास हुई थी उसका ना मैंने एक लोगो क्रिएट किया था, ये वाला, यही मैं अपलोड कर देता हूँ, ये वेबवर्ड्स के नाम से ये लोगो अपलोड कर लेना। लोगो का साइज़ कितना रखना है ये आपने यहाँ से डिसाइड कर लेना। और इसके बाद आपने कलर स्कीम क्या रखनी है, मेरा लोगो ब्लू में है तो मैं ब्लू की कलर स्कीम रख लूँगा, तो ये सारी कलर स्कीम ब्लू की हो जाएगी, देख रहे हो। बट इससे क्या हुआ है कि मेरा जो है वो टेम्पलेट थोड़ा सा डार्क हो गया और कुछ चीज़ें जो हैं लाइट अप हो गई, तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार देखूँगा कोई और मुझे ऐसी लाइट ब्लू वाली कलर स्कीम मिल जाए। ओके इट्स प्रीटी नाइस, ये जो डार्क ब्लू है इसको मैं चेंज कर लूँगा, इसका कोई मसला नहीं है, बाकी ठीक है। इसके बाद क्या कर लेना है आपने, कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सम फीचर्स यू हैव टू स्किप कर देना इसको, और यहाँ पे बिल्ड माय वेबसाइट, तो विद इन अ 2 मिनट्स सारी वेबसाइट बन जाएगी। तो ये वेबसाइट बनाने का देखा, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इसी वजह से मुझे सिर्फ बोल भी रहा हूँ साथ ही, तो मुझे कम टाइम लगता है, मुझे बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगते हैं एक क्लाइंट की वेबसाइट बनाने में। फिर उसके ऊपर चेंजेस करनी होते हैं, चेंजेस करने में आधा या पौना घंटा लग सकता है, तो घंटे के अंदर एक पूरी वेबसाइट बन के डिलीवर भी हो जाती है। तो एवरी सैटरडे मैं आता हूँ, स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ वेब डेवलपमेंट का स्किल और मोटिवेट करता हूँ कि देखो स्किल्स में ही जो है ना वो आगे क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग लोग जो है ना वो सुन के ना पागल हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते हैं कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये वेबसाइट पे चले जाओ, उस वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे जाके रजिस्टर करो, इसको रेफ़र करो, पैसे मिलेंगे, वो सब कुछ फजूल है, फेक है, थक गए हो गए सारे काम करके। जो लोग काम कर रहे हैं ना ऑनलाइन लर्निंग, वो लोग स्किल्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। स्किल्स का मतलब ये होता है हुनर, उर्दू लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि हुनर होना चाहिए आपके पास जिस क्लाइंट को आप सर्विस प्रोवाइड करो। जिस तरह से आप किसी क्लाइंट के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, किसी क्लाइंट को वेबसाइट बना के दे सकते हो वो आपको उसके पैसे देगा, किसी क्लाइंट की वेबसाइट रैंक कर सकते हो गूगल पे वो आपको उसके पैसे देगा, किसी क्लाइंट के लिए कंटेंट क्रिएशन का काम कर सकते हो, कंटेंट जनरेट कर सकते हो वो आपको उसके पैसे देगा, किसी क्लाइंट की ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो उसके पैसे देगा। जी जी क्या कह रहे थे सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग का थोड़ा आइडिया देना, क्या करते हैं हम कोर्स में, क्या मॉड्यूल होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग का, कोर्स मॉड्यूल क्या होगा उसमें। अभी इसके बाद मैं कोर्स की डिटेल्स भी प्रोवाइड, यस सर। अभी ये वेबसाइट, चलो तब तक वेबसाइट बन रही है, 29% हो गई कंप्लीट, तब तक मैं आपको जो है ना वो बता देता हूँ, ठीक है। ओके इसी वजह से मैं पिछले जो है वो एक साल से सिखा भी रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि आप जो है ना स्किल्स के ऊपर काम करो, रेदर देन के आप जो है ना वो ऑनलाइन डिफरेंट ऐप्स या कंपनीज के चक्करों में पढ़ो, ठीक है। मैं बेसिकली ये कोर्स करवा रहा हूँ और एवरी वीकेंड में आता हूँ, एक डेमोस्ट्रेशन क्लास देता हूँ, स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि बेसिकली ये कोर्स है, अगर आप लगते हो कि कोर्स करना चाहिए और आप चाहते हो कि 2024 के अंदर आप एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हो फ्रीलांसिंग के थ्रू। देखो जब तक आप सर्विस प्रोवाइड या किसी क्लाइंट को कोई काम करके नहीं दोगे वो पैसे नहीं देगा, और जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो ऑनलाइन काम करते हैं तभी उसके पैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं है एड्स व्यू करना है, ये करना है, वो करना है, उसी से कोई पैसा नहीं मिलते, काम करते हैं तो पैसे मिलते हैं एज़ पर नॉलेज, ठीक है। वही चीज़ें हैं, सिनेरियो वही है, जिस तरह से हम ऑफलाइन मार्केटिंग में काम करते हैं ना इसी तरह ऑनलाइन मार्केटिंग में भी है।
ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि हम एक जगह बैठ के क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं, वो पे कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हमने एक ऑफिस बनाया होता है और डोर टू डोर क्लाइंट आ रहे होते हैं, हम उसका काम करके दे रहे होते हैं। दोनों तरीके का सेम ही है, जस्ट ऑनलाइन हो गया वह काम पिछले काफ़ी सालों से। सो इस मॉड्यूल के अंदर मैं सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक के ऊपर आपने किस तरह से जो है ना वो प्रोफेशनल आईडीज बनानी है, पेजेस किस तरह से क्रिएट करने हैं, लोगो बैनर किस तरह से बनता है, उसके अलावा पोस्टर्स किस तरह से बनाए जाते हैं, एंड फर्दर डैट इसके अंदर यूनिक बिजनेस नेम हंट किस तरह से करना है, उसके ऊपर आपने ब्रांडिंग किस तरह से करनी है, एंड आफ्टर डैट मेटा सूट किस तरह से आपने उसके अंदर काम करना है, मेटा एड्स किस तरह से बनाई जाती हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों प्लेटफॉर्म को ग्रो किस तरह से करना है, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक ग्रोथ किस तरह से होती है, उसके अलावा अपनी वेब पेज की या अपनी वेबसाइट को फेसबुक पेज के साथ किस तरह से लिंकअप करना है ताकि ऑर्गेनिकली सेल्स हों ई कॉमर्स की, और बिजनेस सूट क्या होता है, बिजनेस पोर्टफोलियो किस तरह से होता है। सो ऑल दो विल बी कवर इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। आफ्टर दैट द सेकेंड मॉड्यूल वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट में मैं तीन तरह की वेबसाइट्स बनाना सिखाता हूँ, बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट एंड ब्लॉगिंग वेबसाइट। इसके साथ प्रीमियम थीम्स प्लगइन्स वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ दिए जाते हैं। एंड आफ्टर दैट एसईओ। एसईओ के अंदर बेसिकली जो है ना मैं ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ ब्लॉगिंग एंड गेस्ट पोस्टिंग, इसके अंदर मैंने कुछ मॉड्यूल्स नए ऐड किए हुए, इस वजह से यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो कम है। फिर उसके बाद फोर्थ मंथ के अंदर एआई कंटेंट क्रिएशन, जिसके अंदर वीडियो एड्स किस तरह से बनाई जाती हैं, कंटेंट विदाउट प्लेजरिज्म किस तरह से लिखा जाता है, एआई कंटेंट को ह्यूमन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है ये भी चीज़ सिखाया जाता है, इमेज क्रिएशन कैसी होती है, और उसके अलावा वीडियो जनरेशन किस तरह से बनाई जाती है, और एट द एंड फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के अंदर बेसिकली मैं सिखाता हूँ कि आपने जो है ना वो ऑफलाइन फ्रीलांसिंग, मतलब कि आपने जो है वो लोकल क्लाइंट्स को डील किस तरह से करना है, उनसे कॉन्टैक्ट किस तरह से करना है, और साथ ही साथ जो है ना प्रोजेक्ट किस तरह से लेना है, और फाइवर और फाइवर के ऊपर बेसिकली मैं इसके अंदर करवा रहा होता हूँ, फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन से लेकर गिग की एसईओ करने तक सारी चीज़ें सिखा रहा होता हूँ, ठीक है। सो दैट्स अ फोर्थ मंथ चैलेंज ऑफ सक्सेसफुल फ्रीलांसर कोर्स। अब बेसिकली मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसर हूँ, लास्ट थ्री ईयर से मैं काम कर रहा हूँ। अब मुझे भी स्टूडेंट्स पूछते होते हैं, आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि सर आप जो है वो इतने पैसे कमा रहे हैं तो आप सिखा क्यों रहे हैं, इतना टाइम होता आपके पास सिखाने का। द आंसर बिहाइंड दिस, मुझे बेसिकली ना चाहिए होते हैं इंटर्नीस, ठीक है, मैं हर मंथ तकरीबन मुझे 15-20 इंटर्नीस चाहिए होते हैं, क्योंकि मेरे पास जो होती है ना मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं जिनको हैंड ओवर करना होता है। मैंने अभी बेसिकली तीन वेबसाइट, अभी इंटर्नशिप मॉड्यूल, अब थ्रू आउट द कोर्स मैं इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है, और मैं स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि इंटर्नशिप 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स के हाथ से वेबसाइट क्रिएट करवाता हूँ, उसको रैंक करवाता हूँ और सेल करवाता हूँ, ठीक है, वो उसी वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब तीन वेबसाइट्स हैं, जिस तरह से अगर आप यूट्यूब पर जाओ और ये केस स्टडी देखो, मैं वेबसाइट का नाम नहीं दूंगा इसी वजह से कि बेसिकली अभी वो स्टार्टिंग हो रही है, केस स्टडी देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा। यूट्यूब पे मेरा ऑलरेडी चैनल है, ठीक है, वेब डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, वहाँ पे मैं केस स्टडीज अपलोड करूँ, वेबसाइट डोमेन नेम लेने से लेकर उसको रैंक करने तक 3 डेज के अंदर ही वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आने लग गई है। और ये आपका चैनल है? ये मेरा चैनल है, ये बेसिकली ये केस स्टडी मैं अपलोड की हुई है, 4 लेक्चर्स हो चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है, इंटर्नशिप ये बेसिकली रिकॉर्डिंग सेशन हैं, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे, और स्टूडेंट्स भी होंगे इसके अंदर कन्वर्सेशन कर रहे होंगे। ये एसईओ ब्लॉगिंग का कोर्स है बेसिकली, ये कोर्स अगर आप 1 मंथ का चैनल देख लो तो आप एक ब्लॉगिंग में एक अच्छा जो है ना वो कमांड रख सकते हो। इसके अंदर अभी 4 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हुई हैं ये, सो यू विल अमेज डैट। आज मैंने क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग भी शेयर किया है कि अब 3 दिन हुए हैं और वेबसाइट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ट्रैफिक आने लग गई है। ये वीडियोज़ आप तब देखना स्टार्ट करो जब आपकी एसईओ की बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, तब आप देखो, क्योंकि एक नया बंदा जिसको एसईओ की नॉलेज नहीं है वो यूट्यूब से नहीं सीख सकता। मैं हर दफ़ा स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट मेरे पास आते हैं अक्सर, कहते हैं कि सर हम, मुझे तकरीबन कोई साल हो गया हम यूट्यूब पे खप रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही चीज़ें, ठीक है, और फिर एट द एंड कहते हैं कि सर इस फील्ड में कोई जो है ना वो स्कोप ही नहीं है। देखो यूट्यूब पे वो बंदा सीखे जिसकी बेसिक्स क्लियर है, वो बंदा हाथ ना डाले जिसको बेसिक्स ही नहीं पता, जिसको पता ही नहीं है वेबसाइट क्या होती है। एंड द थिंग इज़ डैट के जिस बंदे की BScS जिसने कर लिया हुआ है, जिसने यूनिवर्सिटीज़ में अपने सब्जेक्ट्स क्लियर कर लें हैं, वो बंदा यूट्यूब से सीख सकता है, लेकिन एक वो बंदा जिसने अभी तक मैट्रिक या इंटर्स किया है, वो बंदा यूट्यूब पे बहुत स्ट्रगल के बाद सीखेगा, सीख सकता है लेकिन बहुत स्ट्रगलिंग होगी,
मुझे खुद यूट्यूब से सीखने में तकरीबन 1 साल लग गया था, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के ऊपर ही काम बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे एक मेंटोर नहीं होता, वहाँ पे आपके डिफरेंट मेंटोर्स होते हैं। ठीक है, होपफुली यू गॉट माई पॉइंट। एंड यहाँ पे अगर हम देखें वेबसाइट का स्टेटस क्या है। ओके, सो वेबसाइट हमारी कंप्लीट हो गई भी है, ये देखो हम दोबारा जाते हैं। योर वेबसाइट इज़ रेडी, इट्स टेक अबाउट 3 मिनट, 3 मिनट लगे थे वेबसाइट बनाने में। व्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं एंड ओके, सो ये चेक कर सकते हो विद इन 3 to 4 मिनट्स आपकी पूरी वेबसाइट बन गई हुई है। अभी जिसके ऊपर करना क्या है, कलर चेंज करने हैं, टेक्स्ट चेंज करना है और क्लाइंट को हैंड ओवर कर देना है। 4 पेजेस बने हुए हैं, होम पेज, सर्विस पेज, ये पूरा सर्विस पेज बना हुआ है इसके अंदर, ये सर्विस पेज है और ये अबाउट अस पेज है एंड देन कॉन्टेक्ट पे। मैंने आपको दिखाया है कि लोग 4 पेज की वेबसाइट बनाने के लिए 80-80 हज़ार रुपया चार्ज कर रहे हैं और ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, 40-40 ऑर्डर आ रहे हैं, 50-50 ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, तो ओरिएंटेशन क्लास करवाने का मकसद ही यही होता है कि स्टूडेंट को अवेयर करना कि भाई स्किल सीखो, स्किल्स के बगैर नहीं कुछ काम होने वाला। धक्के खाते रहोगे तब तक कि ऐप डाउनलोड कर ली, ये ऐप डाउनलोड कर लो, इसके ऊपर रजिस्टर कर लो, फोरेक्स पे पैसे लगा दो, क्रिप्टो में पैसे लगा दो, तो ऑल दैट थिंग। सर इसका हमें ऑर्डर मिलेगा? देखो फाइवर एक पूरा कोर्स मैं करवा रहा हूँ इसी वजह से कि आपको एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बना सकूँ। ठीक है, ये कोर्स की डिटेल इसी वजह से तो दे रहा हूँ, ये सारी 4 मंथ्स का कोर्स है, 5,000 पर मंथ फीस है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, प्रीमियम थीम्स, प्लगइन्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन के अंदर 7 क्लासेस हैं, 4 डेज अ वीक रेगुलर क्लासेस, 3 लाइव QA सेशन। इसकी फी कितनी है? फीस 5,000 पर मंथ। ठीक है, फीस 5,000 पर मंथ है और फिजिकल क्लासेस की 8,000 पर मंथ। अगर अगर किसी के पास ना हो, किसी के पास ना हो फिर वो यूट्यूब से सीख सकता है, मैं यही कह सकता हूँ। फ्री में देखो, फ्री में नहीं मैं सिखाने वाला, ये बात जहन में बांधो। फ्री में मैंने सिखाने की बहुत कोशिश की है, ये पहले लिस्ट देखोगे ना, SEO ब्लॉगिंग इंटर्नशिप, इससे पीछे ही होगी SEO ब्लॉगिंग फ्री लाइव कोर्स। मैंने फ्री कोर्स स्टार्ट करके देखा था, मैं कहा यार लोगों को ना, चलो जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, मैं ना फ्री सिखा दिया करूँगा, वीक में 1-2 क्लासेस दे दिया करूँगा। 900 बंदे का ग्रुप बनाया था, क्लास लेने सिर्फ 10 लोग आते। ऑनलाइन तो फ्री होगा ना? ऑनलाइन फ्री क्यों होगा, यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे फ्री है, सारे कोर्सेज देख सकते हो। देखो ऑनलाइन में मेरे, देखो मेरा टाइम लगता है इसके अंदर, मैं ऑनलाइन आता हूँ, मेरा टाइम लगता है, जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं ऑनलाइन के अंदर उसकी फीस है, ये ऑनलाइन की फीस बता रहा हूँ आपको। ओके, यूट्यूब पे कोई चैनल बता दे अच्छा सा। यूट्यूब पे देखो, वेब डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल देखो, यूट्यूब पे मेरी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर 1-to-1 कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि मेरे पास जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनसे तो मैं 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, इसी वजह से तो फीस रखी हुई है उसकी। ओके, ठीक है, समझ आई बातें? ठीक है, आ गई आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये कोडिंग जरूरी पड़ती है अच्छे से कस्टमाइज करने के लिए? बहुत अच्छे से प्रोफेशनलिज्म में आपको बहुत जरूरत पड़ती है। अगर आपको HTML और CSS आती है, WordPress सीख लो, जो छोटी मोटी चेंजेस है ना, जो WordPress के थीम एडिटर में ऑप्शन नहीं है, वो आप कोडिंग से चेंज कर सकते हो कस्टम CSS के थ्रू। ठीक है, वैसे विदाउट कोडिंग तो ये कोर्स में शामिल है या नहीं? ये डिटेल में शामिल है, डिटेल में। अब मेरे, अब ये देखो ना, ये जो कोर्स मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, 4 मंथ का कोर्स है। इस कोर्स के अंदर बेनिफिट पता क्या है, अब 4 मंथ का कोर्स है, बड़े मज़े की बात ये है कि अब लेट्स सपोज कुछ बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं जो इतनी जल्दी पिकअप नहीं कर सकते, 4 मंथ की जगह 7 मंथ लग जाते हैं उनको कोर्स कंप्लीट करने। सिर्फ मैं 4 मंथ की फ़ीस लेता हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा मंथ की कोई फ़ीस नहीं होती। ठीक है, लाइफ टाइम मेंटोरशिप है, मेरे जो ग्रुप्स हैं प्रीमियम ग्रुप्स, जिसके अंदर मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। अब ये आप तो इस ग्रुप में इनरोल होना, जिसके अंदर सिर्फ मैं ही आपको जो है ना वो रिप्लाई कर रहा हूँ, आपके ऑप्शन नहीं है पूछने की कोई चीज़। दूसरे जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग पूछ रहे होते हैं, देखो इनके लाइव सेशंस होते हैं। इंटर्नशिप का ग्रुप बना हुआ है, जो स्टूडेंट्स मेरे पास इंटर्नशिप पे आ रहे हैं उनको मैं पेड टूल्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये लास्ट आज ही जेस्पर प्रोवाइड किया है, इससे पहले इन वीडियोस किया था, जितने भी पेड थीम्स प्लगइन्स हैं वो मैं अपने स्टूडेंट्स को दे रहा होता हूँ, ताकि फ्री लांसिंग के करियर में कोई मुश्किल ना आए। और ये जो ग्रुप है वेब डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर वो स्टूडेंट्स भी हैं जो फर्स्ट बैच के हैं, वो भी अगर लाइव क्लासेस में आके मेरे से पूछते हैं तो उसमें भी कोई रुकावट नहीं है।
मेरे पास अक्सर आते हैं कि सर ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, इसके अंदर ये चेंजेस करनी है, तो मैं वो भी चेंजेस करके दे रहा होता हूँ। दैट्स अ थिंग कि मैं लाइफ टाइम मेंटोरशिप का मतलब ये है कि लाइफ टाइम मेंटोरशिप ही प्रोवाइड करनी है सिर्फ। ठीक है, लाइफ टाइम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक सर, कैसे हैं? अच्छा आजम जी सर, मुझे पूछना था कि जी जी सर जी सर, दरअसल में मेरी दो आईडी यहाँ पे लाइव आ रहा हूँ, मलिक आजम और मोहम्मद आजम के नाम से। मेरे पास लैपटॉप में वॉइस नहीं आती, वो मैंने जैसे आपने बताया था तो मैंने वो हर चीज की हुई। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कोई और इश्यू तो नहीं आ रहा। प्रेजेंट कर लूँ सर मैं? हाँ, स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, बेसिकली आजम मेरा स्टूडेंट है। बेसिकली कल मैं क्लास नहीं करवा सका था, मैं बताया ना वीक में मेरे 3 लाइव क्यू सेशंस होते हैं। कल मैं शादी पे गया हुआ था जिसकी वजह से कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज वो भी स्टूडेंट्स इसके अंदर शामिल है इस क्लास के अंदर जो मेरे पास पेड कोर्स कर रहे हैं, ताकि उनकी जो क्यूरीज हैं वो भी रिजोल्व कर लूँ। आपको ये भी पता लग जाएगा, आप स्टूडेंट्स से बातें भी कर सकते हो। सर एंटायर स्क्रीन में जाना है या विंडो में जाना है? एंटायर स्क्रीन क्लिक करनी है। अच्छा ठीक है सर, ठीक। एक मिनट, एक इंटरव्यू शेयर करो मुझे, एक मिनट। कैसे हो जी सर? बिल्कुल सर, ये मैंने वेबसाइट बनाई हुई है। ओके, जैसे आपने बोला था ना पहले, मेरे पास बहुत इशू आ रहे थे, वर्डप्रेस ऑन नहीं हो रहा था। ओके जी जी, आजम आवाज आ रही है आपकी। जी आजम सर थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं, वो कह रहे थे कि एक मिनट होल्ड करो मैं आता हूँ। ठीक है, ठीक कोई इशू नहीं। ओके सॉरी आजम, बेसिकली जो है ना मेरा माइक ऑफ हो गया था, मैं आ गया था बस मुझे पता नहीं लगा था मेरे माइक को। अगर जी आजम जी जी सर, जी सर मैं चेक करवाना चाहता था सर, कुछ इशू आ रहे थे ना जैसे आपने बोला था, तो उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया है। आप, मैं आपको चेक करवाना चाहता हूं कि इसमें कोई और इशू तो नहीं आ रहा। ओके स्क्रैच जी जी सर, ये बिल्कुल ठीक हो गया। स्क्रॉल डाउन करो जी जी सर। ओके दुआ होम पेज बना रहे हो ना? जी सर, होम पेज ही बना रहा हूं मैं। दरअसल ये सर मेरे 3-4 लेक्चर जो है ना, मुझे फर्स्ट के लेक्चर के बाद जो 3-4 लेक्चर थे ना वो मैंने अटेंड किए थे, लेकिन मेरा फर्स्ट पेज नहीं हो रहा था। तो उसके बाद जैसे आपने बताया तो मैंने ये एक दिन में सारे जितने 3-4 लेक्चर थे ना तो वो कवर कर लिए मैंने। गुड प्रैक्टिस, ऑसम। बाकी और तो कोई इशू नहीं आ रहा सर, बाकी एलिमेंटर वगैरह जो आपने किए थे अभी तकरीबन 2 लेक्चर्स और होंगे जिसके अंदर मैं स्क्रैच से बता रहा हूं, बिल्कुल बिगनिंग से वेबसाइट, ये इस वजह से सिखा रहा हूं ताकि आपकी एक-एक एलिमेंट पे ग्रिप हो जाए। ठीक है जी जी सर। और जी जी दैट थिंग इसी तरह से जिस तरह से मैंने आज वेबसाइट अपलोड की है ना पूरी, इसी तरह से आपको जी जी बिल्कुल चल जाएगा जिसके अंदर मैं बता रहा हूं विद इन 15 मिनट्स वेबसाइट के साथ से बनाते हो। अब ये वेबसाइट तो देखो ना, अभी तो मैंने अब आज के स्टूडेंट्स को बता दिया वेबसाइट बनाना है, लेकिन जो नया एलिमेंट ऐड करना है वो मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है किस तरह से ऐड करना है। जिस तरह से यहाँ पे अगर मैप का एलिमेंट ऐड करना है वो आप लोग इजीली कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का एलिमेंटर मैंने बताया। ठीक है जी जी सर, इसी वजह से जी सर। ओके सो आलम ठीक है, दैट्स वेरी गुड, गुड प्रैक्टिस। बाकी किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा सर, और बात करनी थी मुझे, वो फेसबुक व्हाट्सएप जो पेज है हमारा, उसमें मेरा व्हाट्सएप बटन नहीं लग रहा, उसमें वो एरर दे रहा है कह रहा है कि आपका फेसबुक पेज पे ना फेसबुक प्रोफाइल पे बटन लगा हुआ है व्हाट्सएप ऐड नंबर, तो मैंने वो वहां से भी डिलीट कर दिया है लेकिन फिर भी वो नंबर नहीं लग रहा। ओके बिजनेस व्हाट्सएप आपका? जी जी सर बिजनेस व्हाट्सएप है। बिजनेस व्हाट्सएप की जो है ना सेटिंग्स में जाके चेक करो कि वहां पे कोई पेज तो नहीं लिंक हुआ हुआ। सर पेज लिंक हुआ था ऑलरेडी पहले, लेकिन वहां से मैंने नंबर जो है ना डिलीट कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी वो नंबर वहां से ऐड नहीं हो रहा मेरे फेसबुक पेज पे। ऐप की बिजनेस व्हाट्सएप ऐप की सेटिंग में जाके देखो, वहां पे आपके पास पेज तो नहीं शो हो रहा। अगर हो रहा है तो वहां से डीलिंक करो, ठीक है, फिर नए पेज के साथ जो है ना वो अटैच करो, फिर इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। बाकी किसी के अनियर के कोई क्वेश्चंस? अच्छा जी ताहिर, आपका कोई क्वेश्चन था? बिलो मेरे यार, इसे कितनी देर लगेगी? क्या कह रहे हो बात? हो गया नहीं हो। अच्छा ताहिर, आप कह रहे हो कि वो क्वेश्चन था, आप पूछ सकते हो। सर लेक्चर को कितनी की देर लगेगी?
लेक्चर हो गया बस ये 5 मिनट और उसके बाद लेक्चर खत्म। ओके ठीक है, बाकी आपने कॉल करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर जी, वो मेरा साइट मैप पे एरर आ रहा है, वो भी कुड नॉट फेच आ रहा, वो तो सही करवा दें, कब से इशू बना हुआ है। स्क्रीन शेयर करो, मैं चेक करता हूं साइट मैप में क्या इशू आ रहा है। तो अभी कुड नॉट फेच आ रहा है, मैं आपसे पहले भी डिस्कस किया था वो, ये एक मिनट में एक सेकंड। मैथरैंक प्रो प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है कि सिंपल मैथरैंक किया हुआ है? मैंने वो उसके लिए किया हुआ था, इंस्टेंट इंडेक्सिंग किया हुआ था, अभी वो भी डिलीट कर दिया है। नहीं नहीं, उसके लिए आप यूज करो मैथरैंक प्लगइन, वो आपके साइट मैप क्रिएट कर देता है वेबसाइट के, फिर आपने उसको जो है ना एम्बेड करवाने हैं सर्च कंसोल के अंदर। ठीक होगा सर, ये देखे ना इधर कुड नॉट फेच आ रहा है और इधर ना तकरीबन पेजेस शो ही नहीं हो रहे। मैं बता दूं, अभी इधर अपनी वेबसाइट ओपन करो, मैथरैंक प्लगइन इंस्टॉल है। कौन सा वो रैंक मैथ किया हुआ है? रैंक मैथ वही दिखाओ जरा, इधर जाओ, यहां पे साइट मैप्स में जाओ, साइट मैप सेटिंग्स में, साइट मैप, एक सेकंड, साइट मैप सेटिंग्स में जाओ। वो सर जी सर्वर स्टोरेज स्लो जा रहा हूँ वैसे, एक सेकंड। ठीक है, हाँ जी, बैक जाओ, वेबसाइट में इश्यूज आ रहे हैं। मैथरैंक दोबारा इंस्टॉल करो, पेड वाला इंस्टॉल करो, मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको पेड वाला जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको पेड वाला मैथरैंक प्लगइन दे देता हूँ, मैथरैंक प्रो। ओके सर जी, उससे इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना मैथरैंक प्रो वाला, और फिर जब आप, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे ना साइड मैप बना ही नहीं हुआ, जब आपकी वेबसाइट पे साइड मैप बना नहीं हुआ तो वो फेच नहीं करेगा। ओके ठीक है, तो सर जी इसी की वजह से सब एरर आ रहे हैं, इसी वजह से आपके पास एरर आ रहे हैं। तो अब क्या करना होगा? पेड प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं थोड़ी क्लास एंड होने के बाद ना मैं आपको पेड प्लगइन प्रोवाइड कर दूंगा मैथरैंक का। ओके मैं अभी मैसेज करने लगा हूं सर जी। अच्छा, इसके अंदर कुछ न्यू कैंडिडेट्स हैं, आप लोग इनको सजेशन दे सकते हैं कि मेरे से सीखने से बेनिफिट है इनको कि नहीं? सर जी बेशुमार बेनिफिट है, अभी मुझे कोई एरर आया तो मैंने आपको मैसेज अभी लाइव स्क्रीन शेयर की है, तो आपने रिप्लाई कर दिया है, तो इस तरह वैसे भी कोई भी मैसेज करना हो तो आपसे, आपकी लाइफ टाइम सपोर्ट हमें मिली हुई है, सब कुछ मिला हुआ है। मतलब कि कोर्स कंप्लीट, इनको कोर्स लेने का नुकसान तो नहीं होगा? मतलब कि ये तो नहीं ना है कि सिर्फ कोर्स सिखाया जा रहा है, आगे कोई सीखने को नहीं मिल रहा? नहीं नहीं नहीं, कोर्स लेने का इसका नुकसान तो कोई नहीं है, वैसे मैंने कहीं और से किया था, उधर उसने, वो मेरी फिजिकल क्लासेस थी, बट उधर भी मुझे इतनी समझ नहीं आई जितनी कि आपसे कोई, क्योंकि आपसे कोई प्रॉब्लम आती है तो जब भी बात करो तो आप उससे जरूर सॉल्व करवाते हो, तो इसलिए। अब मैं आपको ना, अब ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह वकार, आप सब कैसे हो? सर मेरा सर लैपटॉप से वीपीएन से कनेक्ट हो रहा है, लैपटॉप से। और सर मेरा सर से लैपटॉप से वीपीएन कनेक्ट नहीं हो रहा लैपटॉप में वीपीएन जी। वीपीएन एक्सटेंशन डाउनलोड करो। सही, आपने ये बोला था ना पेड वाले का वीपीएन इंस्टॉल करो। बेयर वेब, बेयर का ये है कि एक्सटेंशन, मैं आपको दिखाता हूं जरा जी। ओके सो बेसिकली एक्सटेंशन है ये बेयर वीपीएन एक्सटेंशन, बेयर। हां मैं एक मिनट दिखाता हूं जरा, मेरी स्क्रीन विजिबल है जी सर? टनल बेयर के एक्सटेंशन है वो, वीपीएन आप यूज कर सकते हो आपने सबसे पहले आना है, मैं आपके जो है ना वर्डप्रेस के थीम एडिटर में जाके, कोडिंग में जाके इसको चेंज कर देंगे, जो फ्री थीम्स होती हैं वहाँ पे ये चेंज नहीं होता, जो पेड होती हैं वहाँ पे हो जाता है, लेकिन फ्री थीम में ना कोडिंग में थ्रू चेंज होता है वो। ठीक हो गया, तो ये डीवी की थीम है, ये पेड ही है? अगर पेड है तो इसका जो है ना उधर से हो जाएगा कस्टमाइज से। ठीक ओके, एनीवन एनिमल लेफ्ट सर, ये इंटर्नशिप जो होती है ये सब स्टूडेंट देते हैं या जितनी आपको जरूरत होती है बस इनको देते हैं? नहीं, इंटर्नशिप के अंदर ओपन होती है, जो स्टूडेंट मेरे होते हैं वो कोई भी स्टूडेंट आ सकता है उसके अंदर। सर आई हैव अ क्वेश्चन,
सर इंटर्नशिप ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही ऐड करेंगे के बाद अभी ये मई का महीना है, मई के महीने के एंड पे ना जो मेरा इंटर्नशिप का जो बैच है ये खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं अपने ग्रुप से ओपन करूंगा कि जो जो कैंडिडेट्स के थर्ड मंथ कंप्लीट हो गए हैं या इन प्रोग्रेस है वो मुझे बताएं, उनके इंटर्नशिप स्टार्ट करें। क्योंकि मेरा काम होता है इंटर्नशिप के अंदर स्टूडेंट को प्रैक्टिकल बेसिस पे सिखाना। अब ये स्टूडेंट ही वेबसाइट्स बना रहे हैं, ठीक है, ये देखोगे ना आप, ये एसईओ ब्लॉगिंग का कोर्स, चार चार का ग्रुप बनाया, हर स्टूडेंट को, हर ग्रुप को एक एक वेबसाइट दी है। एट द एंड ऑफ वेबसाइट के ऊपर इंशाल्लाह टारगेट है 10,000-15,000 की ट्रैफिक लेकर जाना। अभी से ही अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया। जी नाम को सकता है वीवीएन का ब्रेक हो रही है, सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर ये जो वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाकर हम देंगे तो उसमें क्लाइंट को डोमेन और होस्टिंग क्या ये हमें खरीदनी होगी या क्लाइंट को खरीदना प्रोवाइड करता है? जब आप क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो डोमेन होस्टिंग क्लाइंट प्रोवाइड करता है। और दूसरा ये कि अगर हम इसको ऑफलाइन में बनाना चाहें कंप्लीट तो ऑफलाइन में बन जाएगी या इसको वर्डप्रेस पे बना के क्लाइंट को दिखाओ कि सर वेबसाइट रेडी है, आप डोमेन होस्टिंग परचेज कर लें और मुझे मेरी पेमेंट कर दें, मैं वेबसाइट ऑनलाइन कर दूंगा। ये ऑफलाइन में कैसे, जैसे आपने हमें बताया वैसे ही ऑफलाइन में हमने करनी है में, उसके बाद फिर इसको हमने बाय करनी है? नहीं, उसके बाद क्लाइंट आपको होस्टिंग एक्सेस प्रोवाइड करेगा, आपने इधर से ट्रांसफर करनी है वेबसाइट उधर। वो कैसे? अच्छा, वो कैसे कर दें? वो मैंने अच्छा वो नहीं बता सकता। अच्छा सॉरी सर, घंटा डे लग जाएगा। ठीक, सॉरी सर, सॉरी, कोई नहीं। नहीं नहीं, माशाल्लाह सर आपका कोर्स जो है ना मैंने 2 महीने किए हैं, बहुत मतलब हर चीज़ मुझे समझ आ रही है। पहले मैं भी सर 2 साल तक मैं भी यूट्यूब पे और कोर्स भी मैंने बाय किए हुए थे, आज तक मुझे समझ नहीं आई। यूट्यूब पे मैं कहता हूँ वो लोग सीख सकते हैं जिनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है। जी जी सर, जिनकी बेसिक्स क्लियर नहीं है। मैंने बताया सर, मैंने ये जो ऐड आते हैं कोर्स बाय कर लो, कोर्स बाय कर लो, कोर्स इतने का हम आपको कोर्स सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे या गूगल पे, मैंने वो भी बहुत बाय किए हैं लेकिन आज तक मुझे इनमें से कोई भी 1% का प्रॉफिट नहीं, फायदा नहीं हुआ। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, देखो अगर आप कोर्स बाय कर रहे हो ना किसी बंदे से, उसे ये लाजमी पूछो कि वो मुझे टाइम देगा, अगर मैं उसके रिकॉर्डिंग सेशन देख कर अगर मेरी कोई चीज़ पूछनी हो तो मैं लाइव आ सकता हूँ उसके साथ, अगर वो कहते हैं नहीं तो फिर ना। नहीं सर, मैंने खरीदे लेकिन उनको ये टाइमिंग करने, उन्होंने कहा बस हमसे खरीदो और आप देखो और कुछ नहीं। नहीं फिर फायदा नहीं होता, देखो एक अगर YouTube से भी सीख सकता है ना बंदा। जी जी, मेन बेनिफिट तब वो कोर्स खरीदने का जब जिस बंदे का कोर्स है कोई क्वेश्चन आ गया पूछने वाला, वो बंदा का स्पेसिफिक टाइम बता दे कि आप उस टाइम उसके ऊपर पूछ सको कि सर मुझे ये मसला आ रहा है, मुझे गाइड करें। बिल्कुल राइट सर, तब फायदा होता है। जी जी सर, ये बहुत सही, बहुत कम लोग बताते हैं, कोई भी नहीं बताता सर, टाइम कोई भी नहीं देता। ये तो बात है, देखो मैंने भी अक्सर कोर्सेज खरीदे, YouTube पे भी टाइम नहीं दिया, YouTube पे भी अक्सर सर मैंने वीडियोस देखे हैं ना जो बताते हैं, उसके बाद उनको कांटेक्ट नंबर दिया होता है। मैंने एक बंदे को फोन किया था यूट्यूबर था, तो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, उन्होंने कहा आपको पहले पेमेंट देनी पड़ेगी उसके बाद हम आपको बताएंगे। देखो यही तो बात होती है, अब देखो ना मुझे स्टूडेंट, मैं अपने मेरी स्क्रीन शेयर है, मैं आपको दिखाता हूं, एक स्टूडेंट है उसने मेरी YouTube पे वीडियोस देखी हुई है, तो मुझे आप बता रहा था कि सर मुझे, मैं 2 दिन से YouTube पे वीडियो देख रहा हूँ, बहुत अमेजिंग लगा आपसे बात करके, तो मैंने उसको सारी डिटेल्स बताई हुई है, मेरे ख्याल यहीं पे ही होगा, कॉल कॉल पे भी बात हुई है, मेरे ख्याल यही है, कॉल पे भी मेरी सारी से बात हुई है, तो उसको मैंने गाइड किया था सर मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने कहा देखो फिर मैं ये कर सकता हूँ कि वीकेंड में लाइव सेशन होता है, आप YouTube पे वीडियो देख लिया करो, वीकेंड में मेरे पास आके क्वेश्चन आंसर कर लिया करो, मैं कर सकता हूँ। सर मैसेज स्क्रीन शेयर का से सिर्फ बता रहे कौन सा है स्क्रीन शेयर का? स्क्रीन शेयर कर देखो, फ्रीलांसिंग की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, इवन के मैंने अभी 2 वेबसाइट्स क्रिएट किए हैं ना, अभी तकरीबन को 15 डेज हुए हैं, अभी वेबसाइट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3,000-4,000 की ट्रैफिक हो गई, अभी सेल करो ना मैंने 15,000 सेल हो जाएंगी मेरे खुद सर, फाइवर और अपवर्क पे प्रोफाइल हो गई लेकिन आज तक मुझे कोई ऑर्डर मिला नहीं। कौन सा है ऐसे YouTube पे देख के मैंने बनाई हुई है? देखो सर आगे क्या सेल होगी? अच्छा क्या कह रहे हो सर? सादत हेलो सर, जी सर, सर वेबसाइट बनाने के बाद सर कैन यू हियर मी? अच्छा मैं ये बता देता हूं सर, आपने क्या बताया कितने की सेल होगी? ओके, मैं जिस तरह से बता रहा था कि सर वेबसाइट मैंने अभी बनाई है, 15 डेज वेबसाइट को हैं, अभी 15 टू 20 डेज 10 आर्टिकल्स लिखे हैं,
और वेबसाइट के ऊपर 3 से 4 हज़ार के ट्रैफिक भी हो गया। और अमेज यू विल अमेज दैट कि मुझे गैस पंपिंग की रिक्वेस्ट भी आने लगी है उस वेबसाइट से, और $10 की गैस पंपिंग ले रहा हूँ और लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। सर आफ्टर कंप्लीटिंग द वेबसाइट सर ट्रैफिक लेकर आना भी क्या ये हमारी जिम्मेदारी होगी या एक अलग सर्विस होगी? बिजनेस वेबसाइट अगर आप बना रहे हो ब्रांड के लिए, ठीक है, तो हम उसके बिजनेस वेबसाइट की तरह मतलब उसके मेन जो वेबसाइट का वो कंपनी का नेम है ना उसके ऊपर उसकी कीवर्ड की एसईओ करते हैं। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो ट्रैफिक लेकर आना है तो ये अलग सर्विस है या इसके अंदर ही हमें SEO कहलाता है तो ये अलग है, मतलब इसको हम उसके अंदर शुमार नहीं करेंगे? नहीं, उसमें शुमार नहीं होती है, अलग सर्विस होती है। हेलो सर। जी जी। तो ऐसे ये वाला VPN है? टनल वेयर। कौन सा VPN? TUNNELBEAR। टनल वेयर? हाँ जी, ये VPN यूज करो आप। एक मिनट। अच्छा बाकी कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस क्योंकि क्लास प्रॉपर्ली एंड। सर जी। सर। हाँ जी। ओपन हो गया आवाज। अच्छा एक बंदा माइक ओपन करे। सर ये भी कर दे। हाँ ये वाला वीकेंड आवाज। सर नंबर बियर। हाँ इसके एक्सटेंशन वाला कौन? क्या कह रहे थे आप? सर हमारी अर्निंग कब शुरू होगी? इससे हमें इन फ्यूचर में इसका क्या फायदा होगा? किसका फायदा? तीन बज गए हैं, 5-10 मिनट और वेट कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा मेरी आपसे बात हो रही थी वो मोबाइल पे, आपने मैसेज किया था ना? नहीं नहीं 3 बजे आना था, 3 बजे का था, माइट भी शायद जो है ना वहाँ 3 आपकी तो क्लासेस 3 बजे से स्टार्ट होनी है।